नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैन अनुष्ठान परिवार की ओर से पावर ऑफ भक्तामर की विशिष्ट ज्ञान ध्यान साधना का प्रारंभ होने जा रहा है। नए नए विषयों के साथ मनुष्य के जीवन के अंदर जैन मंत्र किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार से मनुष्य की काम करने की गति, सोचने समझने की गति भक्तामर महास्त्रोत्र के प्रभाव से, नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से, वो सगरम महास्त्रोत्र के प्रभाव से मनुष्य तुरंत अभिभूत कर सकता है, उनका हम ये पूरा सत्र आप सभी की सेवा के लिए लेकर के आए हैं। मैं हूँ आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नए नए विषयों के साथ में हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे और आपके जितने भी जो सवाल है, जितने भी ज्ञान चर्चा है, वो सारी बातों को समझते हुए पावर ऑफ भक्तांबर, भक्तांबर महास्त्र की जो दिव्य गाथाएं हैं, जो रुद्धि है, जो मंत्र है, जो साधना है, और वो साधना करते करते तुरंत कैसे आप अनुभव कर सके, यही श्रृंखला के साथ में फेसबुक के ऊपर 12 दिन का हमने पूरा कोर्स किया। विश्व भर के 10 देशों में 50,000 से भी ज़्यादा अलग अलग लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पर जो स्टडी किया है, उनको विस्तृत रूप से आज सभी टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी को भक्तांबर की यशोगाथा, जैन धर्म की यशोगाथा, मंत्र की यशोगाथा को सरल रूप से हम समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। और वो अनुभव आपको चीरकाल तक, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो ध्यान करते हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो प्राणायाम करते हैं, उसके अंदर आप सभी लोगों को आए पूरा क्लास कैसे मदद हो सकता है, उसकी हम सरल रूप से चर्चा करेंगे। तो कोई भी आप मंत्र गिनते हो, बहुत सारे लोग आज अभी देख रहे हैं, तो नोट पेन के अंदर छोटे छोटे नियम को लिख लीजिए, समझ लीजिए, आपके जीवन के अंदर उतारिए, और ये सब कुछ करते हुए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार का अनुभव होता है, क्या कंपन होता है, क्या ध्वनि सुनाई देते हैं, कैसे आपके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, वो सारी छोटी छोटी बातें हम ये क्लास के अंदर सीखेंगे। तो पहले नंबर में कोई भी मंत्र आपको पढ़ना है तो अपने गुरुदेव के पास गुरु गम से लेकर के ही पढ़ना है। गुरु मंत्र ही तत्काल फलदायी है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र लेना है। दूसरे नंबर के अंदर उसका संकल्प क्या है, बहुत सारे लोग रोज मंत्र गिनते हैं, कोई आधा घंटा गिनता है, कोई एक घंटा गिनता है, लेकिन आप संकल्प नहीं करते भाई मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुझे दुख में से मुक्ति चाहिए, मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, मुझे व्यापार के अंदर उन्नति चाहिए। ये 44 ऐसे मिरेकल, 48 ऐसे प्रभावशाली प्रयोग है भक्तांबर महास्त्रोत्र के, मांतुंग सुरेश्वर जी महाराजा के नाभि में से, जो हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो भक्ति की आस्था, श्रद्धा की भक्ति, और जिस प्रकार से 48 बंधनों को तोड़ दिया, कर्म के बंधन भी टूटे और संसार के अंदर जो जो भी आपको रुकावट आ रही है, वो तुरंत आप आदिनाथ भगवान का नाम स्मरण के साथ, नाभि के साथ, अभी तक हम होठ से बोलते थे, 4 दिन का आप सत्र देखेंगे, उसके बाद जैसे आप बैठेंगे जाप करने के लिए आसन के ऊपर, मंत्र जाप करेंगे, आपके 3.5 करोड़ रोमटे खड़े हो जाएंगे, दिव्य ध्वनि का, प्रार्थना का, वंदना का आप स्वयं अनुभूत कर पाएंगे। तो ऐसे भक्तांबर महास्त्रोत्र की प्रथम गाथा, कुछ स्पेशल टिप्स मैं आप सभी को सिखाऊंगा जो ध्यान करते हैं, तो एक एक चक्र को कैसे आप भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं, हम लाखों लोगों को जो सिखा चुके हैं, अनुभव करा चुके हैं, वो 7 चक्र की जो 7 अद्भुत गाथाएं हैं, वो भी आज आप पूरी तरह से लाइव सेशन के अंदर सीखेंगे। तो जब जब भी आपने बहुत सारे प्रयोग कर दिए हैं, बहुत सारे आपने विधि करा दिए, बहुत सारे आपने यंत्र रख दिए हैं, फिर भी यदि कोई ना कोई जगह पे आप रुक जाते हो, तो भक्तांबर स्तोत्र की 1 नंबर की जो गाथा है, उसका शास्त्र में प्रभाव बताया है कि सभी प्रकार के उपद्रवों को नाश करती है, सौभाग्य के अंदर जबरदस्त अभिवृद्धि करती है, सौभाग्य इतना बढ़ जाता है, चारों तरफ से यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा आपके चरण के अंदर चूमती है, समाज के अंदर नाम होता है, कुल दीपक बनने का सामर्थ्य भक्तांबर महास्त्रोत्र की प्रथम नंबर की गाथा। मांतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को जब बंधनों से जड़ दिया था, जकड़ दिया था, और उस वक्त एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक सारे बंधन लोहे की जैसी भयंकर बेड़िया भी टूटने लग गई, क्योंकि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। दूसरे नंबर की जो गाथा का प्रभाव शास्त्रकार भगवान बता रहे हैं कि जिसको भी माइग्रेन बहुत रहता है, बहुत सारे एक साथ में बहुत सारी सभी की दुकानें हैं, दुश्मनावट बढ़ गई है, कोई व्यक्ति अपने को गलत तरीके से भी दुश्मन समझ रहा है, तो भक्तांबर महास्त्रोत्र की दूसरे नंबर की जो गाथा है, शत्रु पीड़ा, मेरा इस जगत में कोई शत्रु नहीं है, पूरे विश्व को मैं प्रेम कर रहा हूँ। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब बताते थे कि रियल में तो शत्रु यदि कोई है तो 4 कसाई है, जिसको क्रोध आता है, जिसको अहंकार सताता है, जिसको माया सताती है, वो भी व्यक्ति भक्तांबर की दूसरी गाथा को पाठ करता है, सुबह में जल्दी उठ करके पाठ करता है, 3, 6 के 9 के गुणांक में, कभी भी आपको पाठ करना है तो एक साथ में 3 बार मंत्र बोलिए, एक साथ में 6 बार मंत्र बोलिए, एक साथ में 9 बार मंत्र बोलिए, तो तत्काल उसमें भी आप रुद्धि का मिलान करते हो, उसमें भी आप श्लोक का मिलान करते हो, उसमें भी आप मंत्र का मिलान करते हो,
तो ये पूरी तरह से पावर ऑफ भक्तांबर सेमिनार के अंदर सरल रूप से भक्तांबर की सारी ज्ञान चर्चा माइग्रेन देता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता है आपको जबरदस्त प्रकार का सिर दुखना शुरू हो जाता है, तो सभी लोगों को गाथा नंबर 2 की आप आराधना करते हो तो आपके जीवन में बहुत 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 लाभ मिलता है। खूब शांति से हम समझते हुए कि जिसको भी प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है, प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए जो भी मनुष्य गाथा नंबर 3 का स्वाध्याय करता है, अत्र प्रसन्नता तत्र प्रसन्नता, आप जहाँ पर भी जाते हो वहाँ से भी आपको पूर्ण रूप से प्रेम सम्मान कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो भी जल जंतु का बचाव, कोई भी ऐसी जगह पे चले गए आप, कोई ऐसे मच्छर ने काटा, बहुत लंबे समय से कोई जगह पे जख्म पड़ गया है, उसको आप रूज लाना चाहते हो तो उसके लिए गाथा नंबर 4 का जब कोई भी मनुष्य स्वाध्याय करता है, पठन करता है, पाठन करता है, तो उनको तुरंत 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 लाभदायी। भक्तांबर की इतनी जबरदस्त यशो गाथा है, लाखों लोगों ने प्रतिदिन आज भारत देश के अंदर, विश्व भर के अंदर, जहां जहां भी जैन है, अजैन है, कोई भी व्यक्ति है, तो प्रतिदिन भक्तांबर ऐसा स्तोत्र है। हमारे बड़े बड़े आचार्य भगवान, गुरु भगवान, साधक लोग ऐसे रोज प्रतिदिन भक्तांबर महास्तोत्र का पाठ करते हैं। तो वही श्रृंखला के अंदर जिनकी कोई अभी आंख की प्रॉब्लम है, जिसको भी चश्मा के नंबर आ गए हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो रही है, उन सभी के लिए भक्तांबर स्तोत्र की गाथा नंबर 5 आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। आपको किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति आपको ठगने के लिए आया है, इनके साथ पैसों का व्यवहार करे या ना करे, वो सारी चीजों का आपको पहले से ही आपके चक्षु पावरफुल हो जाते हैं। 6 नंबर की गाथा का हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ज्ञान, जितने भी विश्व भर के अंदर बच्चे हैं और जिंदगी की स्कूल में तो सभी लोग बच्चे हैं, जिनको भी अपना पावर शार्प करना है, एक बार पढ़ के ही सारी चीजों को याद करना है, उन सभी लोगों के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की 6 नंबर की जो गाथा है, 6 नंबर की जो आराधना है, वो विशेष रूप से फलदायी है। 7 नंबर की गाथा सर्वे प्रकार के विष को दूर करती है। अलग अलग प्रकार की 8 नंबर की गाथा सर्वे अरिष्ट रोग निवारक, जिसको भी कभी यहाँ खंधे दुखते, पैर दुखते, पूरे शरीर में दर्द वेदना रहती है, दर्द जाने का नाम नहीं लेता है, उन सभी लोगों के लिए भक्तांबर स्तोत्र की 8 गाथा। 9 गाथा आप कोई भी प्रकार की यात्रा का प्रारंभ कर रहे हो, भक्तांबर स्तोत्र घर घर के अंदर पहुंचे, घट घट के अंदर पहुंचे, इसीलिए हम ये ज्ञान सत्र का पूरा आयोजन किया है। एक एक गाथा का महिमा भाव धारा वंदना करते हुए सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, भक्तांबर का ध्यान करेंगे, किस प्रकार से हम भक्तांबर स्तोत्र गिने और हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा बहन, वो सभी लोग स्वस्थ बने, वो सारी बातें ये पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम सीखेंगे। तो के 10 नंबर की गाथा, जब 9 नंबर की गाथा, कोई भी यात्रा, घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आपकी यात्रा के सारे कष्ट का, यात्रा निर्विघ्नकारी हो, यात्रा में चोरी ना हो, यात्रा के अंदर कोई रुकावट नहीं हो, उसके लिए 9 नंबर की हम गाथा का पाठ करेंगे। 10 नंबर की जो गाथा है वो विष को नाशक है। 11 नंबर की जो गाथा है वो खास करके कोई भी व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, किसी के साथ आपको दोस्ती करना है, मैत्री करना है, किसी को आप बुलाना चाहते हो, तो कि इच्छित व्यक्ति को बुलाने में 11 नंबर की गाथा का जबरदस्त प्रभाव है। तो ये हमने बहुत सारी बातें सीख ली। आज मैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप स्वस्थता को प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप जीवन परिवर्तन को प्राप्त करना चाहते हो, तो 2 घर में जरूर कीजिए। जितना भी पानी है, हर महिला को मैं कहना चाहूंगा कि रोज सुबह में भक्तांबर का पाठ करे, पानी को अमृत बना दो। हम कहीं पर भी मंदिर में जाते हैं तो पानी का पक्षाल, पानी का जो प्रसाद, हिंदुओं के जितने भी मंदिर में आप देखेंगे, हमारे कोई भी शिव चक्र पूजन हो, बड़े बड़े महामंडल पूजन हो, जिसके अंदर पानी पूरा छंटकाव होता है, तो घर के अंदर जितना भी पानी है वो अमृत बना दो, पीने वाले व्यक्ति के जितने भी अशुभ विचार है वो दूर हो जाए। तो ये हमने भक्तांबर स्तोत्र की 11 गाथा का अद्भुत अभ्यास किया। अब उस एक एक गाथा को आप जीवंत कैसे उतार सकते हो, तो कि 2 सभी दर्शकों खास करनी है कि आपके घर में जितना भी पानी है वो सारा पानी जो यूज करने का, पीने के लिए, उन सभी को प्रसाद बना दो। जो जो भी गाथा आपको जरूरी लग रही है, वो गाथा कांच के ग्लास के अंदर पानी भर के रखिए, वो पानी को अभिमंत्रित कीजिए। जो जो व्यक्ति जरूरियात वाला है उन सभी को पिलाइए, पूरे घर के अंदर छिड़काव कीजिए। लाखों लोगों ने अनुभूत किया है और गूगल के ऊपर आप वाटर एनर्जी चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर, जिंदगी के अंदर बदलाने के लिए सपोर्ट में यदि कोई आ सकता है तो कि मंत्र और जल है। भोजन को प्रसाद बना दो। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और आप चाहते हो कि उनको दवाइयां छुड़वाना है, उनको स्वस्थ बनाना है, तो भक्तांबर स्तोत्र की एक एक गाथाओं का, जो जो गाथाओं का पाठ है,
मनुष्य करता है अवश्यमेव उनकी आराधना से, उनकी साधना से स्वस्थता, शारीरिक के अंदर स्वस्थता, मानसिक के अंदर प्रसन्नता, जो लंबे समय से गम में है, लंबे समय से डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो सारी चीजों के अंदर आदिनाथ भगवान की प्रत्यक्ष आराधना, मंत्र आराधना आपको बहुत 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 लाभ देने वाली है। आइए इसे अद्भुत भक्तामृत स्त्रोत्र का सेवन चक्र शुद्धिकरण कैसे करेंगे। बहुत सारे ध्यान योगी है, बहुत सारे भक्तामृत हीलर हैं, तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल गाथा बताता हूँ। आपका अपना रूटीन बराबर मेडिटेशन ध्यान कर लीजिए या ध्यान का शुरुआत करना चाहते हो, जैसे ही आप ध्यान की शुरुआत करेंगे तो आपको लग रहा है कि मेरा सहस्रार चक्र, मेरा सिर बहुत भारी भारी है, तो कि सहस्रार चक्र को आपको शुद्धिकरण करना है। पांचों अंगुलियों ऐसे साथ में रखते हुए बराबर यहाँ पर गोल 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 घुमाते घुमाते भक्तामृत स्त्रोत्र की जो पहली गाथा है तीन बार और 28वीं गाथा है वो तीन बार। वैसे तो पूरा भक्तामृत स्त्रोत्र जो है उनसे आप अपने सेवन चक्र को शुद्ध कर सकते हो। सेवन चक्र का सीधा मतलब है जॉइंट, जहाँ से एनर्जी का प्रसार होता है, जहाँ से हमारा पूरी बॉडी का बैलेंस होता है। तो आप चाहते हो कि आप 8 घंटे के अंदर थक जाते हो और आपके अंदर अनंत ऊर्जा आप चाहते हो, दिन में आप खाली 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट निकालिए और एक क्रिया कीजिए, देखिए कितना जबरदस्त आपके अंदर एनर्जी। जॉब करते हो तो जॉब के अंदर आपका प्रेजेंटेशन, सोचने समझने की क्षमता, जो भोजन करते हो वो भोजन को पचाने की क्षमता के अंदर अभिवृद्धि हो जाएगी। तो ये बात बहुत बड़ी बात हो गई। तो कि जब भी आपको सहस्रार चक्र बहुत बड़ा आपके पास टारगेट आ गया, उसको आप अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर गोल 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 तीन बार करते हुए भक्तामृत की पहली गाथा, भक्तामृत महास्त्रोत्र के दिव्य प्रभाव से मेरा सहस्रार चक्र शुद्ध हो रहा है। आग्नेय चक्र के अंदर क्रिएटिव आइडिया, आपको नया बिजनेस चालू करना है, लॉकडाउन के बाद बहुत सारा विश्व के अंदर परिवर्तन आ गया है और आप ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हो कि दुनिया पागल हो जाए। आप जो भी प्रोजेक्ट डाले जिसके अंदर हजारों लाखों रुपया आ जाए, तो क्रिएटिव आइडिया कहाँ से लाएंगे, तो कि यहाँ पर आग्नेय चक्र है, यहाँ पर ऐसे पांचों पांच अंगुली और अंगूठा से गोल 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 घुमाते घुमाते भक्तामृत महास्त्रोत्र के साथ में आग्नेय चक्र का शुद्धिकरण करना है। तो के छठे नंबर का जो श्लोक है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, बहुत सारी बातें दिमाग के अंदर स्टोर हो गए, निकल नहीं रहे, कोई ऐसी नकारात्मक घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट को देखा है, कोई चोरी को देखा है, उसको रिमूव करना है, यहाँ पर आग्नेय चक्र का शुद्धिकरण करेंगे। कंठ का विशुद्ध चक्र का शुद्धिकरण करना है। गले की बात हम यहाँ पर करेंगे, तो कि विशुद्ध चक्र का जब भी जो आप बोलो लोगों को पसंद आ जाए, गाथा नंबर जो 4 है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांताम, कंठ के अंदर जिनको भी थायराइड है, गले संबंधी गांठ है, कोई भी प्रकार की गले की प्रॉब्लम है, खराश है, कफ रहता है 12 महीना, तो वो सभी लोग तीन बार ऐसे गोल 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 घुमाते घुमाते आदिनाथ भगवान और भक्तामृत की दिव्य ऊर्जा से मेरा विशुद्ध चक्र, जो मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं उन सभी के लिए भी विशुद्ध चक्र रोज एवरीडे, जो फोन कॉलिंग का काम कर रहे हैं, आप जैसे ही बोलो और सामने वाला प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए, खींच के आपके पास आ जाए। आप एक मोटिवेशन स्पीकर हो और आप चाहते हो कि मैं हजारों लोगों की सभा के अंदर बोलूं और लोग सुनते ही रहे, तालियां बजाते रहे, तो खास विशुद्ध चक्र को आप बैलेंस कीजिए। उसके बाद चौथे नंबर का चक्र आता है अनाहत चक्र, हृदय के अंदर मैं मेरे आड़ोस पाड़ोस विश्व के सभी लोगों को प्रेम करना, और उसके लिए अनाहत चक्र की शुद्धिकरण के लिए जो 41वीं गाथा है 45वीं गाथा है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, विश्व के सभी जीव मेरे हृदय के अंदर है, मित्र में सब भूयेशु, मैं सभी लोगों को प्रेम कर रहा हूँ। यदि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, हृदय में बहुत भार है, छाती पे भार है, डायबिटीज है, तो उसके अंदर खास करके अनाहत चक्र का शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र, जिसके अंदर 70वीं गाथा नास्तम कदाचित उपयाचिन राहु गम्य, और स्वाधिष्ठान चक्र उसके नीचे जो 20वीं गाथा है, ज्ञानम यथा तव विभाति कृताव, एक एक चक्र का यहाँ से लेकर एक एक चक्र का जैसे जैसे आप शुद्धिकरण, शरीर आपका हल्का हो जाएगा। बहुत सारे लोग जकड़ जाते हैं, और मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण के लिए 44 और 48वीं जो गाथा है, स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा, शरीर आपका शुद्ध है, मन आपका शुद्ध है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कामयाबी के अंदर कोई रुकावट आए। तो यही सारी चीजें बहुत डीप के साथ में सिखाने के लिए हम भक्तामृत चातुर्मास लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर 24 विशिष्ट प्रकार की थेरापी, आपके मन में जो जो भी सवाल है वो जानने के लिए, समझने के लिए, मंत्र को अनुभव करने के लिए आइए। ये भक्तामृत की जो ज्ञान गंगा है, भक्तामृत का सेल्फ हीलिंग है, भक्तामृत का ध्यान है, हम भक्तामृत गिने और सामने वाले को ऊर्जा का अनुभव हो, ऐसी विशिष्ट कोटि की ज्ञान ध्यान साधना के अंदर भोजन को अमृत बनाइए। और 2 लाइन 3 लाइन आप लिख लीजिए रोज, 108 बार बोलिए कि मेरा हर रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है, जो चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर सफलता आए, रोज सुबह में उठकर बोलिए मेरा हर रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है, मेरा शरीर सुंदर और हेल्दी हो रहा है, कोई भी आप मंत्र गिनते हो आप ये खास बोलिए। और तीसरे नंबर का वाक्य है,
कि आज जो भी आत्मा मिलेगी वह सुंदर और स्वस्थ है। ये आप सारी चीजें कीजिए, इसका इफेक्ट आपको तुरंत दिखेगा, तुरंत आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को आप अनुभव कर पाएंगे और यही सफलता के साथ आपकी जिंदगी में खूब खुशी आए। नए विषय के साथ वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय आदिनाथाय नमः। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य निकुंज गुरु जी एंड पूजा बेन, टुडे आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ 12 डेज जर्नी विद बोथ ऑफ यू। आई हैव ओनली कम टू नो गुरुजी वाय जैन अनुष्ठान प्लेटफॉर्म। आई डिडंट नो दैट गुरुजी यू विल चेंज माय लाइफ एंड गिफ्ट मी अ न्यू लाइफ टू द स्पिरिचुअलिटी। माय स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्टेड इन पत्ता मारे अबाउट 3 to 4 मंथ्स अगो ओनली व्हेन माय सन फ्रैक्चर्ड हिज फुट। एज अ मदर आई एम श्योर यू कैन फील एंड अंडरस्टैंड माय पेन। आई वाज वेरी मच वरीड फॉर हिम। One day I was speaking to my papi Jyotisha about my son. She saw me worried so much, so she told me to chant Bhaktama. But she also told me that I must keep faith, then only I should do it. And let me tell you that I am not born as Jain. So I didn't know anything about Bhaktama apart from Nokar Mantra. So you can understand I'm still in Jainism nursery. I started learning Bhaktamar Gatha for my son and I practiced so much hard to learn this Gatha by heart. I did cycle of 21 days, two cycle of 21 days and I got results. So I was very content and happy with that. Then my Bhabhi one day contacted me on 24th of May and she informed me that there is a Bhaktamar healing course is starting from tomorrow if I would like to do it. So I said yes, I do want to do it via Jain Anusthan. So my journey began from Jain Anusthan. Nikunj Guruji, you are my guide, you are my voice, constantly you changing me and giving me positive vibes. Jai Jinendra, Bhaktamar Healing Course ke madhyam se main Nikunj Guruji aur Adarni Pooja Ben ke saath juda. मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद मैं काफ़ी कुछ धार्मिक क्रियाओं के बारे में जानने लगा। मेरे जीवन में एकाग्रता बढ़ी है, मेरा मन और चित्त शांत रहने लगा है, सकारात्मक कार्य करने की इच्छा होने लगी है और समय का सदुपयोग करने लगा हूं मैं। अब धार्मिक रुचि में बढ़ोतरी हुई है और मेरा जीवन जो किसी आड़े पाटे पे चढ़ा हुआ था वह अब एक रूटीन के अंदर बंध गया है और काफ़ी अनुशासन अपने जीवन में महसूस करने लगा हूँ। मेरे रिश्तों के अंदर फिर से मधुरता लौटने लगी है और मेरे अंदर क्षमा भाव की उत्पत्ति हुई है। अब मैं किसी की छोटी सी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता हूँ और यदि किसी को डांट भी देता हूँ तो मेरे मन में खुद के लिए क्षमा भाव उत्पन्न होने लगता है। हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे अनकहे अनुभव मैंने महसूस किए जो जिसे व्यक्त करना मेरी सीमा से परे हैं। साधना के दरमियान मैं और अच्छे अनुभव करूंगा, इसी आशा के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।